तो शिव शक्ति आपको क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि भोलेनाथ का स्वरूप शिव शक्ति का जो रूप है उनका, वो आपको क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं हूँ बीआरबी शिवा, आप सबका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। तो देखते हैं शिव शक्ति आपको कौन सी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, कौन सा आशीर्वाद आपकी लाइफ में आ रहा है, किस चीज़ से खुश होकर उन्होंने आपको ये आशीर्वाद दिया है, और आपकी लाइफ के कौन से चीज़ों को वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको उन्हें कैसे समझना होगा, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो शिव शक्ति आपको क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, किस चीज़ का आशीर्वाद दे रहे हैं। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, तो जितना आपसे रेजोनेट कर देखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। पर अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं, अगर आप शिव पार्वती जी की पूजा करते हैं, तो ये रीडिंग आपसे डेफिनेटली रेजोनेट करने वाली है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देखोगे ये आपको ज़रूर हेल्प करेगी। ओके, तो देखते हैं शिव शक्ति आपको क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। ओ, फेम, यानी कि आपको प्रसिद्धि का आशीर्वाद मिल रहा है। जो भी काम आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं इस वक्त, और जो भी काम में आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोई भी काम हो सकता है आप किसी जॉब को पाने का बहुत कोशिश कर रहे हों, या आपने कोई कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हों, लाइफ में किसी भी आपका जो कोई भी आपने चीज़ आपने अपनी लाइफ के लिए चुन रखी है और जिस पे आप मेहनत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत आपकी रंग लाने वाली है, क्योंकि शिव शक्ति आपको प्रसिद्धि का, आपको सक्सेसफुल का आ रहा, यानी कि लाइफ में आप सक्सेसफुल हों, आपकी जीत हो, ऐसी आपको ब्लेसिंग यहाँ मिलते हुए मुझे नज़र आती है। गाइज, किसी ऐसी पोजिशन पर आप पहुँचने वाले हैं या ऑलरेडी पहुँच गए हैं, कि जिस पोजिशन में जब आप उस पोजिशन पे हो जाएंगे या अभी होंगे, तो लोग आपको फॉलो करना चाहेंगे, आप लोगों को लीड करेंगे, यानी कि एक लीडर की तरह, एक लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर, वो सारी क्वालिटीज़ जो एक लीडर के अंदर होती हैं, वो सारी क्वालिटीज़ से आपको, आपके लिए शिव जी का आशीर्वाद आ रहा है। शिव शक्ति आप की ब्लेसिंग यही है कि वो आपको बहुत ज़्यादा नेम और फेम देने वाले हैं, बिल्कुल डेफिनेटली। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल कार्ड है गाइस, ये जब भी लाइफ में आता है, वैसे तो और भी कार्ड्स से हम अभी जानेंगे आगे की चीज़ें, पर इस कार्ड से मैं आपको बता दे रही हूँ कि जो भी पर्सन जो अपनी लाइफ में वाकई बिल्कुल एक सही दिशा में मेहनत कर रहा है, वो लाइफ में एक बहुत बड़ी सक्सेस को आने वाले टाइम में देखेगा, या उस सक्सेसफुल जगह पे वो ऑलरेडी पहुंच चुका है। कुछ लोग अगर पॉलिटिक्स में हैं तो उनको एक बहुत पावरफुल जगह वहाँ और भी अपग्रेड होंगे, यानी कि उनकी पोजीशन और भी ऊपर जाएगी, या जिस भी सिचुएशन में अभी किसी भी पोजीशन में है, मान लीजिए आप कहीं किसी भी पोस्ट में हैं, वो आपकी पोस्ट बढ़ेगी उस जगह पे, आपकी चीज़ें बढ़ेंगी उस जगह पे, आपको अगर कोई प्रोजेक्ट मिला था उस प्रोजेक्ट को करके अब आपको बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे, यानी कि आपकी मेहनत को बढ़ा रहे हैं शिव शक्ति, आपको मेहनत करने की ताकत दे रहे हैं, कि जितनी ज़्यादा आप मेहनत करते चले जाएंगे उतना ही ज़्यादा आप ऊंचाइयों को छूते चले जाएंगे। गाइस, ऐसा शिव शक्ति आपको ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि आप कहते हैं ना कि जब मेहनत इंसान जब करता है तो उसके लिए भगवान स्वयं रास्ता खोलता है, ऐसी मुझे यहाँ पे आपकी सिचुएशन नज़र आ रही है, आपकी एनर्जी नज़र आ रही है, आपकी मेहनत नज़र आ रही है। बहुत दूर की सोचते हैं आप, मतलब कि एक वाकई में आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, और ये क्वालिटी ईश्वर ने आपको दी है, इस क्वालिटी को करके उन्होंने आपको ऑलरेडी इस धरती पे भेजा है, अब आप उस क्वालिटी को फलीभूत कर रहे हैं, जो भी आपको इस लाइफ में देख के भेजा गया उस चीज़ को अब आप फलीभूत कर रहे हैं, यानी मेहनत करके अपने आप को आप उस जगह पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं
जो जगह एक्चुअली में एक बहुत मेहनत करने के बाद ही अचीव की जा सकती है। ये जगह ऐसे ही नहीं मिलती है, इसके लिए अपने जीवन में बहुत मेहनत को लाना पड़ता है, बहुत चीज़ों से अपने आप को दूर रखना पड़ता है, यानी कि बहुत सारे सुख, बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारा देर तक आराम करना, और ये सब चीज़ों से आप हट गए हैं एकदम। आप एकजुट होकर मेहनत ही करते चले जा रहे हैं, बहुत दूर अंदेशी, बहुत ही दूर की सोचते हैं आप। यानी कि एक साधारण व्यक्ति जो होता है वो अभी आजकल के बारे में सोचता है, लेकिन आप उससे भी बियॉन्ड सोचते हैं, बहुत आगे की सोचते हैं, और आपकी इसी सोच से आप एक लीडर की तरीके से उभर के बाहर आए हैं। जो भी चीज़ें आप करते हैं उस पहले उसके बारे में पूरी एक जानकारी ले लेते हैं, यानी उसकी अच्छी तरीके से उसका एक जांच पड़ताल कर लेते हैं, उसके हर पहलू के बारे में जांचते हैं कि इसके क्या नुकसान होंगे, क्या फ़ायदे होंगे, तभी आप उसमें आगे बढ़ते हैं। और आपकी इसी क्वालिटी ने आपको एक बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठने के लिए चुना है। तो शिव शक्ति ने आपको दिया है मेहनत का आशीर्वाद, सफलता का आशीर्वाद। तो अभी तक जिन लोगों से भी मेरी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, तो ये रीडिंग उनके लिए है गाइस, जो अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करते हैं और जिनको अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस चाहिए, बहुत नाम चाहिए। अंदर से एक होता है ना कि मुझे अपना एक नाम बनाना है, मैं ऐसे ही सिर्फ सिर्फ सक्सेस ही नहीं होना है, मुझे सक्सेसफुल तो होना ही है, अपना एक नाम भी बनाना है, लोगों के बीच में एक अपनी एक बहुत खूबसूरत छवि छोड़नी है। इस तरह की सोच जिन लोगों की भी है, ये रीडिंग उनसे डेफिनेटली रेजोनेट करेगी और ये वीडियो उन्हीं के लिए है। पावर पाने की इच्छा है आपके अंदर, पावर पाने की इच्छा है, सिर्फ आप मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम में, मैंने कहा ना, हो सकता है बहुत सारे लोग इसमें पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हों, हो सकता है बहुत ऐसे किसी काम में हों, लॉयर हों, जज हों, इस तरह के काम में जिसमें बहुत दिमाग चलाना पड़ता है, ऐसा कुछ काम आप करते हैं, कोई भी ऐसा काम हो सकता है, हो सकता है कोई राइटर हो, कुछ ऐसा लिख दें कि जिससे कि जीवन की एक ना एक नई चीज़ निकल कर आए, एक नई बात निकल के आए। लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर आपका एम आपने साध लिया है, आपने अपने मकसद को साध लिया है और आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं। ऐसा शिव जी ने आपको ब्लेस किया है, आपको शिव शक्ति के ये आशीर्वाद है कि आप मेहनत से कभी नहीं चूकेंगे। कुछ लोग होते हैं ना, थोड़े दिन मेहनत करते हैं फिर थक जाते हैं, चलो अब आराम कर लेते हैं। नहीं, आपके अंदर थकान जैसी कोई चीज़ नहीं, आप जितना भी थकते हैं दोबारा जब मेहनत करते हैं तो आप अपने आप को फिर रिफ्रेश कर लेते हैं। आप रुकते नहीं हैं, आप थमते नहीं हैं, आपको आगे ही आगे बढ़ते जाना है। आपने अपना गोल सेट कर लिया है और आप उसको पा ही के मानेंगे, इस तरह की एनर्जी आपकी है और इतनी खूबसूरत एनर्जी आपको शिव शक्ति ने आशीर्वाद के रूप में दी है गाइस। इसका पूरा पूरा एक कहते हैं ना कि एक पूरा पूरा एक सदुपयोग आपको करना है इस लाइफ में, अपने आप को उन ऊंचाइयों पे पहुंचाना है। मतलब एक कहते हैं ना, एक तेजस्वी की तरह, जिसका एक अलग ही तेज हो, जिसका एक अलग ही मुकाम हो, जिसको देख के लोग एग्जाम्पल दें कि अगर लाइफ हो तो ऐसी हो, अपने आप को उठाना हो तो कुछ इस तरीके से उठाएं, ऐसी इस तरह की आपकी मुझे ये लाइफ दिखाई देती है। और क्या कह रहे हैं, देखिए जरा और क्या कहते हैं कार्ड्स शिव शक्ति की, और क्या ब्लेसिंग्स हैं आपकी, आगे का लाइफ पाथ क्या है। ओके, जजमेंट का कार्ड आया है, राइट, यानी कि पहले कुछ लाइफ में आपकी ऐसा हुआ है, कोई ऐसा मौका आपने चूक गए हैं आप, जिसकी वजह से आप बहुत हताश हो गए थे, बहुत परेशान हो गए थे, आपको लगा था कि लाइफ में अब ये मौका निकल गया, मुझे दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा, दूसरा ऐसा चांस मेरी लाइफ में नहीं आएगा। वो दूसरा चांस आपको शिव शक्ति आशीर्वाद के रूप में आपको दिया है उन्होंने। कहते हैं ना, लाइफ में दूसरा मौका बहुत ही खुशनसीब लोगों को मिलता है, और वो खुशनसीब लोग कौन होते हैं, जिनका चरित्र बहुत, जो अपने चरित्र को बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं, जो अपने, जिनकी सोच में बहुत पवित्रता होती है, जो किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, इस तरह की एनर्जी आपकी है और इसीलिए आपको ये ब्लेसिंग मिली है, ये आपको आशीर्वाद मिल रहा है। लाइफ में एक दूसरा चांस आपको मिल रहा है, कुछ चीज़ें जो आपकी लाइफ से चली गई थी, अभी हम और कार्ड्स निकालेंगे तो डिटेलिंग करेंगे उसकी,
कुछ चीज़ें जो आपके लाइफ से निकल गई थी, आपके हाथ से निकल गई थी, आपको लगता था कि अब बस ये दोबारा मेरी लाइफ में चीज़ें नहीं आएंगी, वो चीज़ें उन दोबारा उन चीज़ों को दोबारा अचीव करने का मौका दे रही है शिव शक्ति आपको। खुशकिस्मत, बहुत खुशकिस्मत हैं आप कि शिव शक्ति आपको आशीर्वाद दे रही है। बहुत बड़ी बात होती है, लोगों को तो एक बार ही चांस नहीं मिलता है, आपको तो दोबारा से मिलने वाला है या मिल गया है। आपको उस चांस को पहचानने की ज़रूरत है, उस मौके को तलाश करने की ज़रूरत है। इस बार ऐसा ना हो कि वो मौका आप फिर से चूक जाए, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटीज़ आती है ना तो बहुत सारे रूपों में आती हैं। आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ को, उस मौके को समझ के पकड़ लेना है बस। इस बार मौका आपको नहीं चूकना है और आप चूकेंगे भी नहीं, क्योंकि आशीर्वाद है ये आपके ऊपर, आप चूकेंगे भी नहीं। इसीलिए आप अपने आप को पहले से चेंज पाते होंगे, पहले की सोच में और अभी की सोच में आपकी बहुत चेंज है। पहले के बिहेवियर में आपके अभी के बिहेवियर में बहुत चेंज है। जिस तरह की लाइफ स्टाइल पहले आप जीते थे, यानी ये हो सकता है आप आलस थोड़ा कर जाते हो, चीज़ों को थोड़ा आगे कर लूँगा, आगे कर लूँगा, कल कर लूँगा, ऐसी आपकी सोच हो जाती हो, मतलब थोड़ा रेस्ट कर लूँगा, चीज़ों को टालने की एक एनर्जी हो जाती है ना कि अरे नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। उस एनर्जी से निकलना है आप, जो करना है वो अभी ही करना है। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, ऐसे वाली स्थिति में आप यहाँ मुझे नजर आ रहे हैं। इतनी स्ट्रेंथ दी है, इतनी विजडम आपको मिल रही है। डेफिनेटली डेफिनेटली मैं देख सकती हूँ कि आप यहाँ शिव शक्ति की बहुत पूजा करने वाले हैं, आप शिव जी को बहुत मानने वाले हैं, नहीं तो आप पार्वती माँ को बहुत मानते होंगे। बहुत ज़्यादा आपने अपने अपनी लाइफ पे काम किया है, चीज़ें जो बुरी चीज़ें हैं उन चीज़ों से अपने आप को दूर किया है आपने, एक अच्छी सोच को लेके आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, बिल्कुल, मैंने आपसे कहा ना कि पास्ट में कुछ चीज़ें आपके हाथ से निकल गई थी, बहुत सारी ये चीज़ें आपके आपसे छुपा दी गई थी, आपको पता भी नहीं था कि ये सारी कहानी एक पर्दे के पीछे दूसरी ही कहानियाँ चल रही, वो सारी कहानियाँ अब आपके सामने खुलेंगी। आपको समझ में आएगा कि लाइफ में ये दूसरा मौका आपको मिला क्यों है। हो सक आप पहले भी शायद इनोसेंट रहे हों और कुछ लोगों ने आपको शायद पीछे खींचने की कोशिश करी गई है, आपको कुछ गलत तरह के लोगों के बीच घिरे हुए थे आप। आपके सराउंडिंग्स में ऐसे लोग मुझे यहाँ दिखाई देते हैं जो ठीक नहीं हैं, चीज़ें छुपाते हैं, आपका नुकसान करने की कोशिश करते हैं, और आपका नुकसान किया भी है पास्ट में, आपका कोई नुकसान हुआ भी है, जिससे आपने अपने आप को उभारने की पूरी चेष्टा करी है, पूरी कोशिश करी है। देखिए, जो आपकी जो सक्सेस जिस पे आप चल रहे हैं, जो एक दिन एक बहुत बड़ी सक्सेस बन के आपको मिलने वाली है, या ऑलरेडी हो सकता है आपने अचीव कर ली है, इस सक्सेस में आपके के साथ कुछ जो बुरे लोग थे उसमें कुछ बहुत अच्छे लोग भी थे। हो सकता है आपके कोई बहुत पुराने दोस्त हों, या आपकी चाइल्डहुड से आपके बचपन के कोई ऐसे साथी हों जिन्होंने आपको हेल्प करी हो, जो आपको बहुत मदद करते हों, आपको अच्छी राय देते हों, आगे बढ़ने की सलाह देते हों, इन बुरी चीज़ों से आपको इन्होंने दूर निकाला है। नहीं तो ये कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है जो आपको किसी भी, मतलब कुछ ऐसी इस पर्सन के अंदर कोई ऐसी, या आपको बहुत ज़्यादा या तो प्यार करता है, या बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा मानता है, या आपको गलत चीज़ों की तरफ जाने देना नहीं चाहता, या आपको एक प्रोटेक्शन देता है, यानी चीज़ें जो गलत आपकी तरफ पहले जो आती थी उस वक्त शायद ये पर्सन ये आपकी लाइफ में नहीं था, पर अब ये लाइफ में आपके है, कोई भी हो सकता है गाइस, ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। ऐसा एक दोस्त, ऐसा कोई साथी भी आपको ब्लेसिंग के तौर पर मिल रहा है। एक ईमानदार और एक अच्छा दोस्त मिलना भी एक बहुत बड़े आशीर्वाद की तरह होता है गाइस। एक अच्छा दोस्त काफ़ी है, कहते हैं ना 100 दुश्मनों से लड़ने के लिए एक अच्छा दोस्त अगर साथ में, तो आप उससे लड़ लेंगे। ऐसा एक अच्छा दोस्त आपको ब्लेसिंग के तौर पे मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है।
बिल्कुल, चीज़ें एकदम साफ हो गई हैं आपकी नज़रों के सामने। बहुत सी, मैंने आपसे कहा ना, कुछ छुपी हुई चीज़ें हैं जो आपके सामने आएंगी। आपके सामने बहुत सारी छुपाई गई चीज़ें सामने आ रही हैं, जिन वजहों से पिछली बार आपने धोखा खाया था, पिछली बार आपके हाथों से चीज़ें निकल गई थी, वो सिचुएशन आपके सामने आ गई है, वो या गलतियां आपके सामने आ गई हैं। जो गलती आपने पहले करी थी वो अब आप ना दोहराएं, वो सारी गलतियों पे आपकी नज़र पड़ गई है। आपको समझ आ गया है कि अब मुझे अपनी चीज़ें, अपनी मेहनत अपने हिसाब से करनी है, लोगों को नहीं बताना है, बहुत सारे लोगों को नहीं बताना है। हो सकता है कुछ एनर्जी सकर्स आपके आसपास हों जो आपकी एनर्जी को ना ड्रेन करते हों, ऐसे लोगों से बचाएगा ये पर्सन आपको। ये ऐसी ब्लेसिंग आपको शिव शक्ति की तरफ से आ रही है। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में प्लांट कर दिया उन्होंने कि जो आपको जगह जगह पर बचाएगा, और चीज़ें आपके सामने एकदम क्लियर हो गई हैं गाइस। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ध्यान लगाते हों, बहुत मेडिटेशन करते हों, ऐसी भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है यहाँ कुछ लोगों की। डेफिनेटली पूजा पाठ आप करते हैं, मतलब कोई एक चीज़ ऐसी है जो आप भगवान के नाम पे रोज़ करते हैं, या शिव जी की पूजा अगर बहुत करते हैं तो हो सकता है कि आपने एक एक अपना बना लिया हो, पैटर्न बना लिया हो कि मुझे इस दिन मंदिर जाना ही जाना है, मुझे ये पाठ करना ही करना है, या मुझे इतनी माला फेरनी है, या उनका कोई मंत्र आप रोज़ भजते ही भजते होंगे। ऐसी कोई चीज़ आपने अपनी रूटीन में ला के रखी, जो चीज़ें आप, ये सारी चीज़ें आपको ना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही हैं आपको ये सारी चीज़ें। और ये भी हो सकता है, देखिए मैं ये भी बता दूं कि आप शिव जी के साथ 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 श्री राम जी की भी पूजा बहुत करते हो। आपको पता है जब शिव जी जब ध्यान लगाते हैं तो किन के बारे में ध्यान लगाते हैं? वैसे तो वो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन उनके उनके उन्होंने अपने आराध्य किसको बना रखा, उनके लिए सबसे ज़्यादा जब वो मेडिटेशन करते हैं तो सबसे ज़्यादा वो सोचते हैं श्री राम जी के बारे में। तो हो सकता है वो आप भी श्री राम जी के भक्त हों, आप शिव जी को भी मानते हैं और श्री राम जी को भी बहुत ज़्यादा आप मानते हैं। और शिव जी अपने डिवोटीज़ की यानी अपने भक्तों की रक्षा ज़रूर करते हैं, जो भी उनकी शरण में जाएगा उसका कोई बाल भी बीका नहीं कर पाएगा। ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स वो अपने भक्तों को देते हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे ज़िंदगी में कितनी भी नकारात्मकता आ जाए, चाहे जितनी भी बुराई आ जाए, डिफ़िकल्ट टाइम आ जाए, बहुत बैड सिचुएशन आ जाए, उन सारी सिचुएशन से शिव जी हाथ पकड़ के धीरे से निकाल लेते हैं। मतलब चीज़ें अगर बुरी चल रही हैं तो वो लाइफ है, उसमें अप डाउन्स होते हैं, ऊंच नीच होती है, लेकिन आपको उन सारी निचली सतह से निकाल के शिवजी ऊपर लेके चले आते हैं। हाथ पकड़ा हुआ है उन्होंने आपका। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन भी हो, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो आप। और देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि स्पिरिचुअल पर्सन जो होता है वो रोज़ रोज़ मंदिर ही जाए या रोज़ रोज़ ये सब पूजा पाठ ही करता। हो सकता है कि आपने जैसे कि जिस तरीके की शिव शक्ति की एक एनर्जी होती है ना, उसको अडॉप्ट कर लिया हो, यानी कि बहुत फेथफुल, जैसे कहते हैं ना कि शिव जी अपने क्या कहते हैं, जो उनकी जो अर्धांगिनी है, जो पार्वती माँ है, उनको कितना ज़्यादा चाहते हो, तो आप भी इस तरह के पर्सन हो जो अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा चाहते हो, बहुत लॉयल हो, बहुत कमिटेड हो, मतलब लाइफ में एक बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ आप जीते हैं। उनकी उन जिस तरह का भी चरित्र हमको शिव जी के अंदर दिखाई देता है, वैसा चरित्र आपका भी हो सकता है गाइस, बिल्कुल हो सकता है। और मैंने कहा ना कि शिव जी अपने भक्तों का हाथ ज़रूर पकड़े रहते हैं, और शायद इसी ज़रूरी नहीं, ये हो सकता है इस तरह की स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ रहे हो, अपने चरित्र को सुंदर बना के, अपने विचारों को सुंदर बना के। योगा मेडिटेशन सब कर रहे हैं, शिव जी को तो बोलते ही है ना आदि योगी, है ना, यानी प्रथम योगी। वो उस तरह की चीज़ों को आप फॉलो करते हैं, उनके लाइफ में जो भी चीज़ें हमें दिखती हैं उनको आप यहाँ फॉलो करते हो, इसलिए भी आप शिव जी के बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे, बहुत नज़दीक हैं। क्या बात है, देखिए गाइस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वांड्स, यानी कि क्वीन और किंग की भी एनर्जी है। मैंने कहा ना शिव और शक्ति की रीडिंग चल रही है और दोनों ही एक साथ आ गए, यानी कि अगर आप सिर्फ शिव जी की भी पूजा करते हैं, ठीक है ना, तो आपको पार्वती जी की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि दोनों की बहुत ज़्यादा उस तरह की ब्लेसिंग आपके आपके लाइफ में, जो भी पार्टनर होगा उससे आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। लाइफ में पहले जो भी कुछ हुआ
वो सारी चीज़ें आपकी अब बदल जाएंगी, आपकी, मैंने कहा ना, आपकी सोच बदल जाएगी। एक बहुत अच्छे पार्टनर की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। अगर पास्ट में आपको किसी ने, शायद नहीं आपकी लाइफ में रहा है किसी भी कारण से, वो अलग हो गया, हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, या तो वो वापस आपकी लाइफ में आएगा, या आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पार्टनर ईश्वर आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं, जो पार्टनर आपको पूरा करता हो, कंप्लीट करेगा, उसको पा के आपको एक कंप्लीटनेस की फीलिंग आएगी। होता है ना कोई कोई कि इस तरह का साथी अगर मिल जाए तो फिर जीवन में और क्या ही चाहिए। उस तरह का साथी आपको मिलता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। एनर्जीज़ को डेफिनेटली क्लेम करिएगा गाइस, छोड़िएगा नहीं। एनर्जीज़ को क्लेम करिएगा तो सारी एनर्जीज़ आपकी तरफ आएंगी। आप जो भी कुछ कमेंट में लिखते हैं ना, वो चीज़ें बहुत दुगनी तिगनी या हज़ारों गुना बढ़कर आपको, आपके पास वापस जाती हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए। आप जो भी कुछ लिखेंगे कमेंट में, वो हज़ारों लाखों गुना बढ़ के आपको मिलने वाला है गाइस। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो, बहुत ही अच्छा पार्टनर आपको मिले। लाइफ में जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं, आप उसे बिल्कुल अचीव करिए। ऐसी भोलेनाथ से मेरी प्रार्थना है, शिव शक्ति से ऐसी मेरी प्रार्थना है, मैं प्रार्थना करती हूँ उनसे। चलिए थोड़े से मैं एकाध कार्ड और निकाल लेती हूँ। मतलब बराबर से रिस्पेक्ट वाली एक एनर्जी है। आप इनको सिर्फ एक अच्छा साथी कैसे मिलेगा, मतलब उस चीज़ को मेंटेन करना पड़ेगा, आप उस चीज़ को मेंटेन भी करने वाले हो गाइस। हो सकता है, देखिए कहते हैं ना कि जो शिव के सबसे ज़्यादा परम भक्त कौन है, पता होगा आपको शायद, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि शिव जी के सबसे ज़्यादा परम भक्त नंदी हैं। क्यों है नंदी? क्योंकि जब वो हलाहल पी रहे थे, विष को पी रहे थे, विष को धारण कर रहे थे, तो उसमें से कुछ बूंदें जो है वो गिर गईं इधर उधर। जब वो बूंदें गिर गईं तो वो शिव जी तो इसीलिए विष पी रहे थे कि वो विष किसी और के पास ना जाए, सारा का सारा मैं पी लूँ। तो उन शिव जी को, इस शिव जी की इस भावना को समझते हुए नंदी जी ने वो जो बची खुची बूंदें, बहुत जहरीली बूंदें नीचे गिरी थी, वो खुद ही धारण कर ली, ताकि मेरे प्रभु जिस चीज़ के लिए भी ये विष पी रहे हैं वो चीज़ पूरी हो। परम भक्त, इसीलिए शिव जी ने उनको परम भक्त का आशीर्वाद दिया है। ऐसे ही किसी आशीर्वाद से वो आपको, उन्होंने वो आशीर्वाद, वो ब्लेसिंग आपको दी है, यानी कि आप भी उनके परम भक्त हो सकते हैं या होंगे ही। और कैसे जाने कि शिव जी ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, शिव जी आपको, आपकी पूजा पाठ उन तक पहुंच रही, कैसे जाने? मैं आपको बताती हूँ कैसे जाने। देखिए, जब भी आप शिव जी का नाम लेते हैं या कोई शिव जी का मंत्र आप कहते हैं, है ना, तो आपको एक अंदर से इतनी खुशी महसूस होती है, इतनी शांति महसूस होती है कि वो और कोई भी काम करके उतनी शांति आपको फील नहीं होती है। जब उनके आप मंत्र पढ़ते हैं, जब आप उनकी पूजा करते हैं, जब मंदिर में जाकर उनका दर्शन करते हैं या जल चढ़ाते हैं, किसी भी फॉर्म में जब आप उनको याद करते हैं, तो आपको एक असीम प्रसन्नता का अनुभव होता है। जब उनको आप कहीं ऐसे किसी भी मोबाइल पे देख लेते हैं, या कुछ ऐसे वीडियो उनका देख लेते हैं, या ऐसे उनके बारे में सोच लेते हैं, या उनकी तस्वीर देख लेते हैं, जब अपने मंदिर में, अपने घर के मंदिर में भी अगर बैठ के पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं उनके लिए, तो उनको देख के, उनको सोच के आपके आंसू निकल आते हैं, आपका दिल रोने लगता है। इससे पता चलता है कि आपकी उनकी बॉन्डिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है, कैसे प्रभु ने आपका इनविजिबल तरीके से हाथ पकड़ रखा है। ये पहचान होती है कि आप ईश्वर के कितने नज़दीक हैं गाइस। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रास्ता चाहे जितना भी मुश्किल भरा हो, ये रास्ता आपको जब आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा ना, तो ये देखिएगा कितना खूबसूरत है ये। किसी भी तरह का हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ में कोई इस समय कोई किसी चीज़ का आपने बर्डन ले रखा हो, इस समय आपके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा हो कि आपको लगता है कि शायद मैं ज़्यादा हो गया है, मुझसे नहीं होगा, या अरे इतना मैं नहीं कर पाऊँगा, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं या ऐसी किसी एनर्जी में हैं, तो आप ऐसा मत सोचिए। हो सकता है काम का लोड इस वक्त आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहा हो, या हो सकता है इस वक्त चीज़ें आपको अपने से दूर नज़र आ रही हो, पर वो सारी चीज़ें आप अचीव डेफिनेटली करने वाले हो, ऐसा मुझे कार्ड्स बता रहे हैं। जिन भी चीज़ों में आपने बहुत मेहनत करी है ना, चाहे वो आपका जॉब हो,
चाहे आपका रिलेशनशिप हो, लव रिलेशनशिप हो, या कोई भी काम हो, उन चीज़ों में आपको डेफिनेटली डेफिनेटली सफलता मिलेगी गाइस। तो इसलिए बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि मुझसे होगा नहीं, या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ ऐसा गलत पाथ ले लिया, नहीं, आपका रास्ता एकदम सही है। जो भी आपको इंट्यूशन हो रहा है, जो कि आपको अंदर से आवाज़ आ रही है, वो आवाज़ एकदम सही है। जो भी सकारात्मक चीज़ आपको बुला रही है, आपको कह रही है कि नहीं, जो रास्ता तुमने अपनाया है वो रास्ता एकदम सही, आगे बढ़ते जाओ, उसके लिए कुछ सोचिए नहीं गाइस। भोलेनाथ का नाम लीजिए, शिव शक्ति का ध्यान करिए और आगे बढ़ जाइए। लाइफ में सक्सेस ही सक्सेस है। आगे प्रॉब्लम्स ज़रूर हैं, हो सकता है आपकी बीती हुई ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हों, जो अब सब खत्म होती मुझे यहाँ नज़र आ रही है। एक नई लाइफ, एक नई ज़िंदगी आपकी शुरू होते हुए मुझे यहाँ नज़र आती है गाइस। तो गाइस कैसी लगती है मेरी रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया करिए। लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक होता है मेरे लिए बहुत बड़े इनाम की तरह। शेयर कीजिएगा और कमेंट में एनर्जी इसको ज़रूर क्लेम कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।